स्टूडेंट वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस तो वीडियो की इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट हो गई है जिसमें हम जस्ट अपने बोर्ड एग्जाम से पहले कर रहे हैं अपने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो साइंस uh, की ऑलरेडी सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है थ्री चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने सोशल साइंस के चैप्टर जिसमें हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री से ही जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप जिसके अंदर इस चैप्टर में से जितने भी टू मार्क्स थ्री मार्क्स और फाइव मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके सैम्पल पेपर को एनालाइज करके बनाए गए हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है दिस इज जस्ट लाइक बूस्टर डोज बिफोर योर बोर्ड एग्जाम सो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन से क्वेश्चन नंबर वन है हमारा हु वाज़ द किंग ऑफ फ्रांस फ्रांस का किंग कौन था वेन द फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रोक आउट इन सेवनटीन नाइन जब सेवनटीन एटी नाइन में फ्रेंच रिवोल्यूशन आया तो उस टाइम पे फ्रांस का किंग कौन था एक्सप्लेन एनी टू इमेडिएट कन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन और इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज हमें कौन से देखने को मिलते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद सो so, इस टाइप के जो इस क्वेश्चन है टू मार्क्स में पूछे जाएंगे और ऐसा नहीं कि आप इस सीरीज को कर रहे हो तो सिर्फ और टू थ्री फाइव का ही कवर कर रहे हो आपको पता है कि अगर आप एम सी क्यू करना चाहते हो ना तो उसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हर टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए तो अगर आप इसको कर रहे हो ना तो आप समझ लो एम सी क्यू की भी प्रिपरेशन आपके साथ के साथ हो रही है ठीक है ना क्योंकि अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लाइक हमसे पूछा हुआ है कि किंग ऑफ फ्रांस कौन था तो ये आपका फर्स्ट फर्स्ट पार्ट एम सी क्यू के रूप में बनाया जा सकता है आंसर आपको पता होना चाहिए कि किंग ऑफ फ्रांस इन सेवनटीन एटी नाइन किंग लुइस सिक्सटीन एंड क्वीन मारिय एंटीनेट ठीक है ना तो ये या आप याद रख सकते हैं क्वीन का नाम भी अब कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में बात करें तो फ्रेंच रिवोलूशन के बाद कौन से कौन सी कॉन्सिक्वेंसेज देखने को मिला था सो फर्स्ट इट एंडेड द मोनार्की इन फ्रांस फ्रांस में जो मोनार्की सिस्टम था वो फटाक से एंड हो गया और उसके बाद वहाँ पे डेमोक्रेसी की का जो है इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है इट आल्सो कॉस्ट अदर कंट्रीज टू डिक्लेयर वॉर ऑन फ्रांस लेकिन इसकी वजह से दूसरी कंट्री भी जो है वॉर डिक्लेयर कर देती है फ्रांस के ऊपर एडिशनली इट लेड टू द राइज ऑफ नेपोलियन वोना पाथे. और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो फ्रेंच रिवोल्यूशन ही वो रीज़न था जिसकी वजह से जो है नेपोलियन बोनापार्टे सामने निकल कर आता है ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में व्हेन एंड वाई डिड फ्रेंच रिवोल्यूशन ब्रेकआउट कब और क्यों ये फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था ओके ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है द फ्रेंच रिवोल्यूशन इज़ वन ऑफ़ द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द यूरोपियन हिस्ट्री यूरोपियन हिस्ट्री का सबसे मतलब बहुत ही ग्रेटेस्ट इवेंट के रूप में उनमें से एक है एक हमारा फ्रेंच रिवोल्यूशन विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज जिसका रिजल्ट जो है ना बहुत दूर दूर तक फैला था इट लास्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टेन ईयर्स स्टार्टेड इन सेवनटीन एटी नाइन मतलब दस साल तक इसका इफेक्ट हमें देखने को मिला शुरू कब हुआ था सेवनटीन नाइन में द फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू थ्री क्लासेज फ्रेंच सोसाइटी को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया था क्लबी नोबिलिटी एंड द कॉमर्स द फर्स्ट टू जो क्लासेस थे वो लग्जरी में रहते थे और उनके अंदर कोई भी टैक्सेस का बर्डन भी नहीं था उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था द कॉमनर्स फॉर द मैटर बोर द बर्डन ऑफ ऑल दी टैक्सेस लेकिन जो कि थर्ड स्टेट के लोग थे जिसको कॉमनर्स हम यहाँ पर बोल रहे हैं उनको सारे टैक्सेस का भार जो है झेलना पड़ता था सहना पड़ता था इवन द रिच मिडिल क्लास वॉज अ विक्टिम ऑफ इट यहाँ पर बात करें कि इवन जो जितने भी मिडिल क्लास के थोड़े रिच भी होते थे ना वो भी इसके विक्टिम थे दे डिड नॉट हैव पोलिटिकल राइट उनके पास पोलिटिकल राइट right नहीं था कि जब मीटिंग वगैरह होती थी तो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था तो यही वो रीजंस थे जिसकी वजह से जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखने को मिला द किंग ऑफ फ्रांस सिक्सटीन एंड हिज वाइफ मारिया एंटीट हार्ड फ्रेंच ट्रेजरी देयर प्लेजर लविंग एंड एक्स्ट्राविगेंट लाइफ स्टाइल जो फ्रांस का राजा था लुइस सेल्वा लुइस सिक्सटीन और उसकी वाइफ उनने पूरा फ्रेंच का जो ख़जाना है ना वो अपने मतलब कि लाइफ स्टाइल में मतलब वो अपने सुख सुविधा के लिए सारा ख़ज़ाना उनने खर्च कर ख़त्म कर दिया था द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज मेनली टू ओवर थ्रो द एब्सोल्यूट मोनार्की इन फ्रांस तो जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है मेनली इसीलिए लाया गया था ताकि जो मोनार्की सिस्टम है फ्रांस के अंदर उसको उखाड़ के फेंका जाए एंड ब्रिंग सोशल इक्वेलिटी इन द सोसाइटी और सोसाइटी में जो है एक सामाजिक जो है इक्वालिटी लाया जा सके तो ये आपका जो क्वेश्चन है अगर इस टाइप का आता है तो ये आप कम से कम थ्री मार्क्स का बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द फ्रेंच पॉपुलेशन प्रैक्टिस टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ वननेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे जो है आ, फ्रेंच के लोगों ने वहाँ की पॉपुलेशन ने कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ किया ताकि लोगों के अंदर जहाँ एक यूनिटी वाली भावना है क्या हम अपने जो मतलब एक नेशनलिज्म वाली भावना है So, answer Amara, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. Just may say first, time, the idea of la patrie, the fatherland, and the सिटीजन एम्पेसाइज द नोशन ऑफ़ यूनाइटेड कम्युनिटी इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन तो ये जो दोनों आइडिया लेकर आया था उसने इस बात पे एम्फेसाइज़ किया कि हमारी जो आ, मतलब हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसमें हर किसी को इक्वल राइट right मिलेगा और सारी कम्यूनिटी जो है यूनाइटेड रहेगी सब जो है सबको वहाँ पर एकअल राइट right उन लोग इंजॉय करेंगे उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अ न्यू फ्रेंच फ्लैग उसके बाद क्या किया गया एक न्यू फ्रेंच फ्लैग को लाया गया ट्राई कलर फ्लैग और चूजन टू रिप्लेस दी फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड वाला फ्लैग था उसको हटाकर न्यू फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया ताकि लोगों को आपस में जोड़ा जा सके इसके अलावा जो है कुछ और भी चीज़ें की गई थी द स्टेट जनरल वर डी नेम्ड एज नेशनल असेंबली जो स्टेट जनरल नाम हुआ करता था और जो वहाँ की मतलब असेंबली थी उसको नाम चेंज करके नेशनल असेंबली रखा गया और इसके अलावा न्यू हिम्स वर कम्पोज ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कोमोरेटेड और इन द नेम ऑफ नेशन बहुत सारे जो है हिम्स कंपोज किए गए बहुत सारी ओथ लिए गए और बहुत सारे कॉम्बिनेशन किया गया सर लेकिन सब कुछ किसके देश के नाम पे ताकि लोगों को एक देश के नाम पे जो है उसको उनको जोड़ा जा सके फ्रेंच वॉज मेड अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन और इसके अलावा क्या किया नेशन का कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच को बना दिया गया ताकि लोगों के अंदर एक वननेस वाली फील ना फीलिंग आए क्या हम सब एक हैं तभी तो वो नेशनलिज्म वाली फीलिंग सबके अंदर आएगी और सब एक साथ लड़ेंगे ठीक है ना तो ये आपका क्वेश्चन है और तो अगर फाइव मार्क्स का आता है तो पूरे आपको फाइव पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज़ द सिविल कोड ऑफ एटीन जीरो फोर आपको भी पता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो सिविल कोड है वन जीरो फोर का यूजली नोन एज नेपोलियोनिक कोड डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था कि लॉ के आ, सामने सब कोई इक्वल है इट ऑल्सो सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिमूव ऑल दी प्रिवलेजेस वेस्ड ऑन बर्थ इनने क्या किया प्रॉपर्टी का जो राइट right है उसको भी सिक्योर किया और साथ में जो लोगों को प्रिवलेजेस मिलते थे ना बर्थ के बेस पे तो उसको हटाया गया दिस कोड एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सफडम इसने क्या किया फ्यूडल सिस्टम को पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया और जितने भी किसान थे उनको जो बंधुआ टाइप जो बना के रखते थे उनको उससे आज़ाद करवाया जितने भी पुराने मेनोरियल uh, ड्यूज़ थे उससे उसको आज़ाद कराया एज़ इम्प्रूवमेंट्स इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें भी इम्प्रूवमेंट किया गया तो ये सारे जो चीज़ें हैं सारी चीज़ें हैं वो कब हुआ जब सिविल कोड ऑफ एटीन जिसको हम नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रीटी ऑफ वियना ट्रीटी ऑफ वियना के ऊपर शॉर्ट नोट आपको पता है क्वेश्चन में आता है थ्री मार्क्स में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है तो आपको जो है पता होना चाहिए कि मेन मेन चीज़ें हो क्या हुई थी और अगर फाइव मार्क्स में आ जाए तो भी आपको किस तरीके से आंसर लिखना है द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ एटीन फिफ्टीन वॉज अ फॉर्मर फॉर्मल एग्रीमेंट ऑफ एलिड पावर्स ये जो बियना का ट्रीटी हुआ था 1815 में उसके अंदर एक फॉर्मल एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन ऑफ द एलिट पावर्स एलिट पावर्स के अंदर कौन कौन से कंट्री थे ऑस्ट्रिया hmm. ग्रेट ब्रिटेन प्रशिया एंड रशिया टू ड्रॉप अ सेटलमेंट फॉर यूरोप ताकि जो सेटलमेंट यूरोप में हुआ था उसको ड्रॉप किया जा सके द मेन गोल ऑफ दिस ट्रीटी वॉज टू अंडू ऑल द चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द रेन ऑफ नेपोलियन वॉर्स मेन गोल था इस ट्रीटी का वही चीज कि जितना भी उस नेपोलियन वॉर के टाइम पे चेंजेस लाए गए ना उसको दोबारा से रिस्टोर किया जाए द बॉबन डोनेस्टी विच हैड बिन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वॉज री टू पावर बोवन डेनेस्टी जिसको हटाया गया था फ्रेंच रिवोल्यूशन के टाइम पे उसको दोबारा से पावर में लाया गया एंड फ्रांस लॉस्ट ऑल दी टेरिटरीज इट हैड अनेक्स्ट अंडर नेपोलियन और इसके अलावा जो है मतलब जो भी उसने नेपोलियन के टाइम पे लिए थे टेरिटरीज वो सब कुछ उसको जो है फ्रांस को खोना पड़ जाता है प्रशिया वाज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थ इटली मतलब इस तरीके से जो है कंट्रोल दिया गया इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ थर्टी नाइन स्टेट दैट हैड बिन सेटअप बाई नेपोलियन वॉज लेफ्ट अंटस्ट तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो थी हमारी ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज यूसुफ मैजिनी और उ, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन आपको लिखना है कि उन्होंने अपने गोल को किस तरीके से अचीव किया यूसिफ मैजिनी वॉज एन इटालियन रिवोल्यूशनरी हु वॉज बॉर्न इन गिनी इन एटीन जीरो सेवन ही वॉज अ मेंबर ऑफ कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी वो कार्बोनरी सीक्रेट सोसाइटी के मेम्बर थे इन एटीन थर्टी वन एट द एज ऑफ ओनली ट्वेंटी फोर ही वॉज एक्साइल्ड फॉर अटैप्टिंग रिवोल्यूशन इन लिवेरिया उनको मतलब जेल में भी रहना पड़ा uh, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ट्वेंटी फोर एज में रिवोल्यूशन कर दिया था ल्यूगेरिया में द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ़ जोसेफ़ मैजिनी इन स्प्रेडिंग रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ इन यूरोप वर लाइक दिस तो आपको पॉइंट्स में लिखोगे ना तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि मार्क्स के हिसाब से जैसे फोर मार्क्स है आपने फोर पॉइंट्स लिखे तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पैसेज में लिखोगे ना तो हो सकता है हाफ मार्क्स वो काट भी लिया आपने सही लिखा तो भी लेकिन पॉइंट्स में लिखते हो ना तो एक एग्जामलर पर बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है तो यहाँ पर मैजनी पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर अ यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक तो मैजनी ने बहुत सारे कोहेरेंट प्रोग्राम जो है uh, लाए ताकि जो है uh, जो इटालियन की uh, इटली की पब्लिक है उनको साथ में लाया जा सके उनने कुछ सीक्रेट सोसाइटी भी बनाया लाइक यंग इटली मरसाइल्स में यंग यूरोप वर्ल्ड में फ़ॉर द डिसिमिनेशन ऑफ हिज गोल्स ताकि उनके गोल्स जल्दी से अचीव हो सके मैजनी रिलेटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटेंड द कंजर्वेटिव और इसके अलावा जो उनका एकदम दृढ़ निश्चय वाला था कि एकदम पूरी तरीके से उन्होंने विरोध किया मोनार्की सिस्टम का और इस तरीके से कि उन्होंने सारे कंजर्वेटिव से लड़ी और जो उनका विज़न था वो उसमें वो सक्सेसफुल होते हैं एट लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप यूरोप में कल्चर के थ्रू नेशनलिज्म किस तरीके से डेवलप किया गया नेशनलिज्म डेवलप थ्रू कल्चर इन यूरोप कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन आर्ट एंड पोइट्री स्टोरीज इंड म्यूजिक हेल्प टू एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग ठीक है नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप करने के उसको एक्सप्रेस करने के लिए कल्चर ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया चाहे नेशन आर्ट के बारे में बात करें चाहे पोएट्री स्टोरीज के बारे में बात करें चाहे म्यूजिक के बारे में बात करें इसके अलावा रोमांटिसिज्म आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे कनेक्टेड है रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट विच सॉट टू अर डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट जनरली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस वो हमेशा रीजन और साइंस के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज़ करते थे और किस पे फोकस करते थे इमोशंस पे दे फोकस ऑन इमोशन टूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग जर्मन फिलासफर जॉन गोट्रीफाइड हर्डर्ट क्लेम दैट ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जिसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था तो ये भी आपको याद रखना है द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज इन कलेक्शन ऑफ लोकल फोक लो वॉज यूज टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस वर मोस्टली इलिटरेट जो इलिटरेट थे उनको भी मतलब कि साथ में लाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस एम्फेसाइज किया अपने वर्नैकुलर लैंग्वेज के ऊपर ठीक है अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हा एक्सप्लेन हाउ जर्मनी वॉज फॉर्मड एज अ नेशन स्टेट जो जर्मनी है ना उसको वो नेशन स्टेट के रूप में किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो इन द एटीन हंड्रेज नेशनलिस्ट फीलिंग वर स्ट्रांग इन द हर्ट्स ऑफ मिडिल क्लास ऑफ जर्मन अठारह सौ तक में लोगों के अंदर जो है नेशनलिज्म वाली फीलिंग आ चुकी थी मिडिल क्लास जर्मन के अंदर द यूनाइटेड इन एटीन फोर्टी एट वो सारे के सारे यूनाइटेड होते हैं एटीन फोर्टी एट में टू क्रिएट अ नेशन स्टेट आउट ऑफ द न्यूमरस जर्मन स्टेट बट द मोनार्की एंड मिलिट्री गॉट टुगेदर टू रिप्रेस दिम लेकिन मोनार्की और मिलिट्री दोनों जो है उन दो उन सबको दबाने के लिए तैयार हो जाते हैं दोनों हाथ मिला लेते हैं दे गेंट सपोर्ट फ्रॉम दी लैंड ओनर्स ऑफ प्रशिया और उनको उनका भी सपोर्ट मिल जाता है जो प्रशिया के लैंड ओनर्स होते हैं लैंड ओनर्स होते हैं जिनको जंकर्स भी बोला जाता है प्रशिया सून बिकेम द लीडर ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट लेकिन प्रशिया क्या करता है जर्मन यूनिफिकेशन मूवमेंट का लीडर बन जाता है और उनका Uh, जो चीफ मिनिस्टर ओटोवन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोसेस विद सपोर्ट फ्रॉम प्रशियन आर्मी एंड प्रशियन ब्रोक्रोसी तो एक जो इम्पोर्टेंट रोल मिलता है ना जर्मनी के यूनिफिकेशन में दैट इज ऑटो ओटोवन बिस्मार्क का नाम आता है तो आपको याद रखना है द यूनिफिकेशन प्रोसेस वॉज कम्प्लीटेड आफ्टर प्रशिया वन वॉर्स विद ऑस्ट्रिया डेनमार्क एंड फ्रांस ओवर सेवन ईयर्स तो यूनिफिकेशन प्रोसेस जो है कब ख़त्म होता है uh, लगभग सात साल बाद जबकि प्रशिया सारी युद्ध जीत लेता है ऑस्ट्रिया से डेनमार्क से और फ्रांस से इन जनवरी 1871 सेवनटी वन द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्पायर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स और अभी हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन है वाई इज यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन डिफरेंट जो ब्रिटेन में यूनिफिकेशन हुआ वो किस तरीके से डिफरेंट है ठीक है ना हमने इटली का यूनिफिकेशन देखा जर्मनी का देखा लेकिन ब्रिटेन का हमें डिफरेंट क्यों देखने को मिलता है ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी रिवोल्यूशन ब्रिटेन में जो यूनिफिकेशन हुआ वो किसी रिवोलूशन की वजह से नहीं हुआ बल्कि वो काफ़ी लंबे प्रोसेस जो है चल कर आया धीरे धीरे अर्लियर ब्रिटेन वॉज कम्प्राइज ऑफ इंग्लिश, वेल्स स्कॉट एंड आरिश ठीक है ना द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज पावर फ्राम दी मोनार्की इन सिक्सटीन एटी एट इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया था मोनार्के से सारे पावर छीन लिए थे सोलह सौ अट्ठासी में एट द एंड ऑफ ट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट सेंटर कॉम टू बी फोर्ज तो उसी के थ्रू ही जो इंग्लैंड जो है ना एक सेंटर के रूप में उभर कर उभर कर आया द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन अब एक्ट ऑफ यूनियन जो सेवनटीन जीरो सेवन में आता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जिससे यूनाइटेड किंगडम का फॉर्मेशन हो जाता है दिस मींस इंग्लैंड वॉज एबल टू डोमिनेट स्कॉटलैंड जिससे हमें यह पता चल रहा है कि इंग्लैंड जो है वो डोमिनेट करके स्कॉटलैंड को जो है वो अपने साथ उसने मिलाता है आयरलैंड वॉज डिवाइडेड इं टू कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट टू गेन कंट्रोल ओवर कैथोलिक कंट्री ठीक है ना तो इंग्लिश ने काफी ज्यादा मदद करी कि कैथोलिक कंट्री के ऊपर कंट्रोल किया जा सके कैथोलिक रिवोल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश बट दे वर सप्रेस्ड उन्होंने विरोध करने की कई बार कोशिश की लेकिन उनको कुचल दिया गया एंड द आयरलैंड वाज फोर्सिवली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन एटीन और अट्ठारह में उसको भी मिला लिया जाता है आयरलैंड को अ न्यू ब्रिटिश नेशन केम थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर तो न्यू ब्रिटिश जो नेशन है वो किस तरीके से आता है थ्रू द प्रोपेशन ऑफ इंग्लिश कल्चर ब्रिटिश फ्लैग द नेशनल एंथम एंड द इंग्लिश लैंग्वेज तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आ, कि इटली और जर्मनी वाला तो आपको लगभग एक जैसा दिखेगा लेकिन ये जो ब्रिटेन में हुआ वो काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलता है और अभी हमारा नेक्स्ट और शायद से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है हाउ हैड द फीमेल फिगर्स बिकेम एन एलिग्री ऑफ द नेशन ड्यूरिंग द नाइनटीन सेंचुरी ऑफ़ यूरोप यूरोप में नाइनटीन सेंचुरी के टाइम पे hmm. नेशन के लिए में जो एलिग्री है ना वो मतलब वो किस तरीके से जो है फेमस मतलब किस तरीके से वो एलिग्री बन गए जितने फ़ीमेल फिगर्स थे मतलब ज़्यादातर उन लोगों ने उसी को चूज़ किया द आर्टिस्ट स्टार्टेड परसन द नेशन आर्टिस्ट लोगों ने अब क्या किया कि देश को ना पर्सोनिफाई करना शुरू किया विद द फीमेल फिगर्स इन एटींथ एंड नाइनटीन सेंचुरी विच वॉज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया दैट गिव ए कंक्रीट फॉर्म टू नेशन ताकि हम नेशन को एक कंक्रीट फॉर्म दे सकें हैं द फीमेल फिगर बिकेम द एलिग्री ऑफ द नेशन और जिसके बाद फीमेल जो फिगर्स थे वो हर मतलब हर देश धीरे धीरे इवन हमारी कंट्री ने भी भारत माता Uh, जो है बंकिम चंद uh, उन्होंने अपना बनाया जो हम नेक्स्ट uh, चैप्टर में करेंगे किसी हिस्ट्री के चैप्टर में ही इन फ्रांस द स्टैचू ऑफ क्रिस्टियन मारियान वर इरेक्टेड इन द पब्लिक स्क्वायर एंड आल्सो मार्क्ड ऑन द पॉइंट्स इन द स्टाम्प फ्रांस में जो है मारियान के स्टैचू को बनाया गया पब्लिक स्क्वायर्स पे लगाए गए क्वाइंस पे मार्क किया गया स्टाम्प्स पे मार्क किया गया इट वॉज द फिगर ऑफ लिबर्टी विद द रेड कैप और ये भी आपसे पूछते हैं कि जो स्टैचू है फ्रांस मारियान का या फिर जर्मेनिया का वो क्या डिनोट करता है तो ये जो मारियाना है एड वॉज द फिगर ऑफ लिबर्टी विद रेड कैप एंड द ट्राई कलर ऑन दी कट ठीक है ना तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अलावा जर्मेनिया के बारे में बात करें तो जर्मेनिया बिकम द एलिग्री वियरिंग ऑफ अ क्राउन ऑफ ओक लिप्स बिकॉज द जर्मन ओक सिंपलाइजेज हेरोइजम तो उस चीज़ को जो है डिनोट करते हुए जर्मेनिया फिगर बनाया गया फॉर द कंट्री जर्मन तो इसी के साथ हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होते हैं होपफुली आपको वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर भी क्लिक कर दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके